हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल वेल। आज हम कर रहे हैं 9th की हिस्ट्री, फ्रांसीसी क्रांति। और मैं आपको इस वीडियो शुरू करने के पहले एक बार वापस से इंस्ट्रक्ट करूंगा कि अभी से क्वेश्चन आंसर्स की भी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें एसएसटी में चार सब्जेक्ट हैं, आपको मालूम ही है। आपकी 8th तक की जो सिविक्स थी, अब क्या बन गई है, पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट हमारे ऐड हुआ है 9th क्लास में, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स अब बन गई है पॉलिटिकल साइंस, है ना। एक नया एडिशन हुआ है इकोनॉमिक्स, वो कंसेप्ट हैं आधारित, है ना। तो हमको क्या, उसको चैप्टर बाय चैप्टर समझते रहना है। तो मैं अभी से आपको क्या कहूँगा, फर्स्ट स्टेप, इसी समय से हम आज पहले बात कर लें कि क्या शुरू करें, हम क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशंस घर पर बैठ के शुरू करें। सॉरी, मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन भी लिखें और आंसर्स लिखने की भी प्रैक्टिस करें बार बार। कम से कम अभी हमारे पास समय है, और ये जो दिन होते हैं, मेरी बात मानिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हमारी वर्किंग की कैपेसिटी भी ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर फेवरेबल होता है। सर्दियों में थोड़ा सा आप समझ ही सकते हैं, हमारी स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, उस समय लिखने में थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। रोज़ अगर एक 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 भी करेंगे तो काफ़ी अच्छी हमारी स्पीड और ग्रिप हो जाएगी। कहने को सोशल साइंस है, लेकिन इसमें चार सब्जेक्ट हमारे आते हैं 9th में भी, और 10th में भी यही रूल हमारे ऊपर अप्लाई होगा। आगे चलते हैं। दूसरा, मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि एक अच्छी कंपनी का एटलस और ज्योग्राफी पर्पज़ आप ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा बैठ के उसको देखना शुरू कर दीजिए। जैसा हमारा फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी में, लोकेशन वाला, तो उसको देखा अपन ने, तो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ जाएंगे आपको, और सब्जेक्टिव यानी वर्णनात्मक भी आप लिखने लग जाएंगे। तो मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूँगा ये दो पॉइंट क्वेश्चन आंसर के लिए, एक अलग नोटबुक बनाएं, एक कॉपी जिसको आप लोग बोलते हैं, एक एटलस देखना शुरू करें, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमको अभी इमीजिएट फायदा देने लगेगी, क्योंकि जितना आप लिखने की प्रैक्टिस अभी कर लेंगे, उतना आपको जब ये सर्दी के दिन चलेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, या नवंबर मान लीजिए आप, तब से आप दूसरे सब्जेक्ट्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ के साथ इसको भी करते रहें, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेती है SST, ठीक है। तो ये मेरा मानना है पर्सनल, ये मेरा सजेशन है, इंस्ट्रक्शन है आपको, आप इसको फॉलो करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स आने के हमारे चांसेस बनते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये डिक्लेरेशन है जो इन्होंने बनाई, आगे चलते हैं। फ्रांसीसी भाषा में लिखी हुई है, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार योजना, क्या लिखा है, एक मिनट, संविधान है ना, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, यानी अब जो संविधान लिखा गया है, इससे पहले वाले वीडियो में किससे शुरू हुआ, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, यानी हमारा जो नागरिक गण है, पुरुष गण है, उनका राइट्स क्या है, ये हम घोषणा पत्र हमने बनाया है, इसके अनुसार अब जो सरकार है वो काम करेगी, उनके अधिकार ये वाले होंगे। जीवन के अधिकार, सबसे पहले क्या लिखे इसमें, जीवन के अधिकार। दूसरे नंबर पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को क्या माना, नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। यहाँ तक पहले हम समझ लें इस बात को। देखिए, जब
ऑब्जेक्टिव टाइप की बात आती है तो हमसे इसी तरह के सवाल बनाए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन सा सत्य वचन है या निम्न में से कौन सा असत्य है। इसीलिए मैं बार बार आपको अभी से बोलना शुरू कर रहा हूँ, एक नोटबुक बनाएं अपने हाथ से, ये अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ, क्या हुआ बात, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू होता है, यानी जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं जो स्टार्ट हुआ है वो कैसे किससे शुरू हुआ, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, इतना जानना मानिए अभी काफी है। दूसरी बात क्या लिखी है, जीवन के अधिकार, जीना भाई, जीवन में जीऊंगा तो सही, नागरिक हूं या पुरुष हूं या महिला हूं जो भी, तो मैं सांस लेके और अपना अपना जीवन, वो वाले बायोलॉजिकल लाइफ नहीं कह रहे, जीवन जीने में क्या क्या चाहिए, रोजगार के अवसर, एक मूलभूत सुविधाएं चाहिए, रोजी रोजगार हो जाए, काम मिल जाए सबको, काम का अधिकार टाइप, ऐसी चीजें उस जमाने में ये तय हो गया कि क्या देना है इनको, जीवन के अधिकार। अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता एक कल्चरली एक्सेप्टेबल यानी सांस्कृतिक सम्मत जो भी मेरे मन के विचार है मैं प्रकट कर सकता हूँ, अभिव्यक्त कर सकता हूँ अपने आप को। अगर मेरे मन में कुछ ऐसा आ रहा है कि मैं देश के खिलाफ कुछ बोलना चाहता हूँ तो वो तो गलत होगा। देखिए दोनों बातों में बहुत फर्क है, अगर मैं सरकार के बारे में बोलना चाहता हूँ तो वो ठीक होगा, नहीं तो मेरे ऊपर देशद्रोह का आरोप लगेगा, और मैं वर्तमान सरकार के बारे में बोलना चाहता हूँ बोल सकता हूँ। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी या स्वतंत्रता, मैं कोई लेख लिख कर छपवाना चाहता हूँ उसकी आज़ादी है, या मैं कोई अखबार में अपना कोई लेख लिखना चाहता हूँ छपवाना चाहता हूँ उसकी आज़ादी है, या मैं किसी चौक पर खड़े होकर भाषण देना चाहता हूँ तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसको कहेंगे अपन, ठीक है। और कानूनी बराबरी के अधिकार, अभी तक क्या हो रहा था, इससे पहले जो अमीर लोग थे आपने देखा ये, जो हमारे 600 जने गए सदन में उनको तो खड़े होने को कह दिया गया, और जो कुलीन वर्ग है ना और जो पादरी वर्ग से आए थे वो बैठे हुए थे नीचे, आपने देखा ना मैंने चित्र दिखाया था, और उनको कह दिया तुम खड़े रहो। याद कीजिए इन सब छोटी छोटी घटनाओं को तो ये समझना आपके लिए सरल होगा। तो ये जो तीन अधिकार हमने चर्चा की ये कैसे हैं, नैसर्गिक एवं अहरणीय कि प्राकृतिक हैं, ये नेचर ने प्रकृति ने हमें दिए, नैसर्गिक हैं कि भाई मेरे में और राजा में ऐसी क्या ऊपर नीचे है कि जो राजा में क्वालिटी है मेरे में नहीं, सिर्फ एक कि वो वंशानुगत राजा बनता रहता है और मैं सामान्य प्रजा में आता हूँ, बस इतनी सी बात है। तो ये नैसर्गिक है, ईश्वर ने सबको एक जैसा पैदा किया है, और ये जो ऊपर हमने तीन अधिकार बड़े बड़े चर्चा की ये किसी के हरण नहीं होएगा, ये किसी से छीने नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, तो यहाँ तक जो मैंने ये ऑब्लिक बनाया यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इन बातों का मतलब ये है। मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझाना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ बुक, बुक के साथ, ताकि आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल ये हमारे बाई हार्ट हो गई हैं, ये कंसेप्ट है। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता, प्रत्येक व्यक्ति को ये मिले हुए हैं, है ना, बाई बर्थ के जन्म हो गया, हम ह्यूमन बीइंग बन गए, तो ये अधिकार बाय बर्थ सबको मिले हुए हैं। हमने मनुष्य का जन्म लिया है, तीन अधिकार हमें मनुष्य का जन्म होने से नैसर्गिक रूप से प्रकृति ने दे दिए हैं। अब आगे देखिए, और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता कि ये जो तीन अधिकार हम मोटे मोटे, मैं नंबर भी डाल देता हूं आपकी सुविधा के लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 1 2 3, ये कैसे हैं, नैसर्गिक है, जन्म से ही मिल गए हैं, मुझे भी आपको भी, छोटे को बड़े को भी, अमीर को गरीब को, है ना, कोई जाति पाति इसमें नहीं है। दूसरा, राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे,
यानी इन अधिकारों की कि जिन जिनकी हमने 1, 2, 3 लिख के बात की है, उनकी नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा स्वयं सरकार करेगी। अगर हम ये आम बोलचाल की भाषा में, कौन करेगा? राज्य का ये पहला कर्तव्य, राज्य का ये कर्तव्य, किसकी ड्यूटी है? अगर ये राजा बना रहता है तो राजा की, अगर ये चुनी हुई सरकार है तो चुनी हुई सरकार का मूल कर्तव्य है कि सबसे पहले किसी के अधिकारों का हनन ना हो, सबके अधिकार उन्हें समुचित प्राप्त होते रहें। अगर मेरा अधिकार है कि मुझे वोट डालने जाना है, वोट डालने का अधिकार मुझे इस परिप्रेक्ष्य में अगर मिला हुआ है, तो दूसरे शब्दों में सरकार यहाँ की, यहाँ का राज्य, यहाँ की गवर्नमेंट देखेगी कि भुवनेश चंद्र माथुर जी को वोट डालने दिया गया कि नहीं, मुझे वोट डालने से मना तो नहीं कर रहा कोई अफसर, ये कौन देखेगा? राज्य। या मेरे में और किसी दूसरे व्यक्ति में कोई बराबरी जैसा तो नहीं चल रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, या कानून कोई भेदभाव तो नहीं कर रहा, ये सारा काम कौन करेगा? राज्य की सरकार या गवर्नमेंट या जो भी आप समझें, अधिकारों की सुरक्षा। सेकंड बात में हमने ये सीखा, इसीलिए मैं आपको बार बार जोर देकर कह रहा हूँ, छोटे 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 जो मैं अंडरलाइन करता हूँ, इन बातों को समझिए, यही हमारे काम के हैं। होने को तो पूरा चैप्टर हमारे काम का है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, अभी से ही मैं बोल रहा हूँ छोटी क्लास है तो क्या हुआ, तो आपको ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप बैंक का एग्जाम दें, LIC का दें, उत्तर प्रदेश का दें, बिहार सरकार का दें, राजस्थान सरकार, किसी का भी दें, तो ये सारी चीज़ें वापस करंट अफेयर्स में, जनरल नॉलेज में दोबारा आएंगी। क्रांतिकारी पत्रकार जियो पॉल्स और मैरॉट ने अपने अखबार लेमी द पपल जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी। तो ये कौन है? जीन पॉल मैरिट नाम है इनका। कैसे हैं ये? देखिए शब्द, देखिए क्रांतिकारी पत्रकार, क्रांतिकारी लोगों की बात थोड़ी जोश भर देती है पब्लिक में, लोग पढ़ते हैं बड़े चाव से। तो ये अखबार था इनका, लामी द पपल, यानी जनता का मित्र। अब इन्होंने उसके बारे में क्या लिखा? नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर टिप्पणी की। क्या लिखा? एक एक वर्ड को देखना बहुत जरूरी है ताकि चैप्टर और इजीली हो जाएगा हमारे लिए। कि जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है, गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का एकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। समाचार पत्र लेमी द पपल से उद्धृत। तो ये किसके विचार हैं? एक क्रांतिकारी पत्रकार के। क्या लिख दिया इन्होंने? कि जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है, यानी जो हम पहले के परिप्रेक्ष्य में देखें 300 प्लस 300 लोग, वो तो सब अमीर वर्ग हैं, पैसे वाले लोग हैं, रिच क्लास। लेकिन आगे इन्होंने संभावना क्या जताई है कि धनाढ्य वर्ग जो है कानून को प्रभावित कर सकता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि इस जुए को, जो आप जानते हैं खेती बाड़ी वाले, कि ये ज़्यादा दिन चलने वाली बात नहीं है। कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को एक दिन वही हश्र होगा कि वो हटा देंगे और अमीरों का भी हाल यही वाला कर देंगे, क्योंकि रिवोल्ट होगा। इसमें क्या छुपी हुई बात? क्रांति। इससे हमें क्या समझ में आया कि एक ना एक दिन तो क्या होगा, आपके क्रांति होके रहेगी, आप कितना भी दबा लीजिए, एक ना एक दिन तो होगी ही होगी, क्योंकि शब्दों की पावर है। जो भी लिख दिया गया, पुराने जो हमने दो आपको मैंने बताए थे ना, नाम याद रखिए, वो आज मैं नहीं लूंगा इस वीडियो में उनका नाम, आपको याद करना है। इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा था मैंने, राइटर्स का नाम याद करें। अभी जैसे नाम आया,
जीन पॉल मेरिट, ये अपने को याद होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में हमसे स्कूल वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, इसमें क्या क्या बातें हैं ये देखते हैं। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। बहुत सरल है कि हम लोग सभी लोग कैसे स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार या राइट्स की बात पे जोर दिया गया है। इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, राइट्स, फ्रीडम। भी छोटी छोटी में आपको फ्रीडम और राइट्स दोनों मिलके हैं और अधिकार समान होते हैं। कैसे होंगे, मेरा अगर अधिकार है कि सड़क के उल्टे हाथ पे चलूं तो आपको भी अधिकार है कि आप सड़क के दूसरी तरफ अपने उल्टे हाथ पे चल सकते हैं। तो सबके समान हैं, बराबर हैं, अमीर गरीब कोई भी हैं, आप कुलीन परिवार से हैं चाहे पादरी वर्ग से हैं, लेकिन आपके अधिकार समान हैं। देखिए सेकंड पॉइंट, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। कौन कौन, किस पे जिम्मेवारी है हर एक राजनीतिक संगठन? इसका मतलब है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, समझने के लिए चाहे एक पक्ष में है एक विपक्ष में है, तो भी उनका टारगेट क्या होना चाहिए कि व्यक्तियों के नैसर्गिक और अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखने में सहायता करेंगे। स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार, एक एक को याद कीजिए, समझ लीजिए ये कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं और ये हमारे संविधान में भी आगे चल के आए हैं। फ्रीडम, आज आप कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी है ना, ईटानगर से जूनागढ़ तक आप घूम सकते हैं, कोई रोकेगा क्या भारत में? नहीं। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता हो गई। अभी मेरे पास क्या स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी है। तो मैं अखबार में, मैगजीन में, कोई भी आपके सोशल मीडिया पर, मतलब एक सीमा में कुछ भी अपने फीलिंग्स शेयर कर सकता हूँ, ये स्वतंत्रता है। आपको फ्रीडम है, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, व्यापारी बने, कुछ भी आप प्रोफेशन कर सकते हैं। संपत्ति का अब जो है हमारे यहाँ कानूनी अधिकार है ना, सिर्फ लीगल राइट है। सुरक्षा है एवं शोषण, अगर कुछ शोषण हो रहा है किसी का भी समाज में, अगर वो सेफ्टी महसूस नहीं कर रहा है तो इसका प्रतिरोध कर सकता है, तो ये भी अधिकार है। तो कुल मिला के हमको, हमारी भी तो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो अगर कोई शोषित वर्ग है तो वो अपनी शिकायत सरकार में कर सकता है कि मेरे ये इस अधिकार का हनन हो रहा है। तो इन्होंने ये सारी बातें इसमें लिखी हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया इस स्लाइड में, सेकंड हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें जो है अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। बुक लेके मेरे साथ इस वीडियो को समझते रहिए और थोड़ा थोड़ा याद करिए, और लिखने की प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। नाउ वी गो टू नंबर 3। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है, यानी टोटल मालिकाना हक, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में समझें, का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली। समग्र संप्रभुता यानी राज करने की योग्यता, राज करने की एबिलिटी, देश पर शासन करने की शक्ति कहाँ से मिलेगी? जनता की सत्ता से ट्रांसफर होगी, जनता चुनेगी तब वो पार्टी या वो सरकार बनाएंगे, देश पर शासन करेंगे। इसमें ये बात छुपी हुई है। तो क्या लिखा है इनके संविधान में कि कोई भी ग्रुप, कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग कभी नहीं कर सकता कि मैं सरकार बनाऊंगा या मैं ही मैं हूं। अब वो वाला कहते हैं ना कि आपने सुना भी होगा कि किस राजा का राज होगा हमें क्या पता, पहले ऐसा बोला जाता था, अब नहीं है।
चौथा नंबर, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। देखिए बात वही है, मैंने अभी बोला भी था, स्वतंत्रता का आशय, अगर मेरी स्वतंत्रता है कि मैं बैठ करके अपने रूम में पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास वाले विद्यार्थी को भी स्वतंत्रता है कि वो पढ़ाई करे उस समय में या गाने सुने, तेज गाने चला सकता है। लेकिन अगर रात के 10 बज रहे हैं, वो सोने का समय है रात के 10 बजे, तो भैया इतनी तेज आवाज में गाने चलाना अब कानून ने मना कर दिया। रात में लाउड स्पीकर चलाना 10 बजे बाद मना कर दिया भाई, तो मेरे अधिकारों की सुरक्षा शुरू हो गई। अगर तुम्हारा अधिकार है तो तुम दिन में 6 से 10 बजे तक खूब चलाओ, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खूब चलाओ, आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन एक सामाजिक भी सोच हमें रखनी है, दूसरे भी अगर हमारे कृत्य को सहन कर लें, ऐसा होना चाहिए, हमें दूसरे के अधिकारों की भी फिक्र करनी पड़ेगी। खाली ये नहीं सोच सकते अगर अधिकार दे दिए तो आपको ड्यूटीज भी दी हुई हैं। समझने का पॉइंट हमारे लिए ये है, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसान दे ना हो। शहर बीचों बीच सड़क है, आप 140 किलोमीटर पर कार चला सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भरी भीड़ में आप 140 पे गाड़ी अपनी दौड़ा दें और किसी को मृत्यु कारित कर दें, मार डालें पब्लिक को, ये असहनीय है, कानून अलाउ नहीं करता। तो ये मैंने छोटे से दो उदाहरण दिए समझने के लिए कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजियां करने लग जाएं, वो अलाउड नहीं है। फिफ्थ को देखें, समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कि ऐसा कोई काम आप नहीं कर सकते कि हानिकारक कृत्य है देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए, जो भी है, कि आप अपने अधिकार का सेवन करें, एंजॉय करें, तो ड्यूटी भी है उसके साथ में आपकी, तो दूसरे के लिए वो नुकसानदायक हानिकारक ना हो। अगर आपने गांव में फैक्ट्री लगा ली तो उसका धुआं उगल रहे हैं आप, है ना, तो ये जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है ये सबको है। तो कृपया करके सीमाओं में रहते ही आपको पर्यावरण की सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपकी फैक्ट्री का छोड़ा हुआ धुआं पूरे शहर के पर्यावरण को बिगाड़े, समझ लीजिए। सिक्स्थ, कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं, ठीक है, चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा है, ऑल आर इक्वल, एक के बराबर एक है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सबकी इच्छाओं की, उसमें हमने सभी की इच्छा जानने के बाद ही कानून बनाया है। पहली बात, अब पूरा का पूरा देश देखिए एक सदन में तो जा नहीं सकता, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, वो हमारे लिए वहाँ कानून बनाते हैं और हमको सूचित करते हैं और सारा प्रोसेस चलता रहता है। तो ये भी हो गया कि इन जनरल हमारी इच्छाओं की पूर्ति हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जा जाकर वहां सदन में काम कर रहे हैं। सातवां पॉइंट, कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता, ना ही गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता है। ये नहीं कि राजा के मन में आई जैसे पहले था पकड़ के लाओ उसको, अब ऐसा नहीं है। एक कानून सम्मत प्रक्रिया हमने बना दी है और अगर किसी को दोषी ठहराया भी जाएगा तो कचहरी में उसको पेश किया जाएगा, उसके ऊपर आरोप साबित किए जाएंगे। आप उसको चलते रास्ते गिरफ्तार या नज़रबंद का मतलब हो गया कहीं किसी कमरे में किसी मकान में उसको अंदर बंद
नहीं कर सकते। किसी को आरोपी जब कहोगे जब उसके ऊपर आरोप साबित हो जाए, सिद्ध हो जाए कि इसका दोष है। तो जब तक के दोष सिद्ध नहीं होता तब तक आपको न्याय प्रणाली चलानी पड़ेगी। ऐसे ही हो आप चलते रास्ते किसी को गिरफ्तार या नजरबंद नहीं करेंगे। कानून में ये बात स्पष्ट लिख दी गई है। प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने, छापने के लिए फ्री है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। लिमिट में रह के आप ये काम कर सकते हैं, अपनी सीमाओं में रह के। राग द्वेष से प्रेरित होकर आप किसी के बारे में मनचाहा नहीं लिखेंगे। सीमाओं में रह के अपनी अपनी हैसियत को ध्यान में रखते हुए ही आप कोई किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर लेख अगर लिख रहे हैं तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। अगर आपको बोलने की आज़ादी दे दी तो ये नहीं कि आप चौक में खड़े होकर किसी को अनशन सुनाने लग जाए। छापने की आज़ादी है, अपने विचार छपवाइए आप। आज भी वही है, आज भी आप सरकार के खिलाफ लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, छपवा सकते हैं। तो तीन राइट हमको मिले हुए हैं इसमें, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना भी अलाउ नहीं है। नहीं तो दूसरी पार्टी भी मान हानि का मुकदमा आपके ऊपर दायर करेगी। चलिए, सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। कि सरकार तो देखिए इनकम कमाने तो जाती नहीं है, टैक्स सबसे बड़ा आय का स्रोत है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। इसके अनुसार क्या है कि अगर सरकार ने निर्णय लिया कि 5% कर आमदनी का प्रत्येक व्यक्ति देगा, इससे पूरे राष्ट्र की आमदनी होगी, सरकार चलेगी, है ना, फौजें रखी जाएंगी, सारा कार्यभार, प्रशासन के खर्चे, आपके स्कूल कॉलेज अस्पतालों के खर्चे इस टैक्स से चला करेंगे। बहुत सरल बात है। क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुलंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो, ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सरल बात है। मान लीजिए उस समय अगर कोई बात है और आपका खेत मान लिया के बीचों बीच उससे ट्रेन की पटरी डालने का नंबर आ गया है ना, तो ये खेत सरकार ले तो लेगी, ठीक है, ये खेत सरकार को देना पड़ेगा। जितनी भी जमीन गई गई, इसका आपको मुआवजा मिलेगा। तो यूं ही कोई आपसे आपका खेत कोई भी सरकार, कोई भी शासन नहीं ले सकता। इसको आपको बाजार की दर से मुआवजा दिया जाएगा। और ये भी जब करेगी सरकार, जब देश हित में ये अति आवश्यक हो जाए। समझ लीजिए, अब किस देश का शासन किस हिसाब से चलेगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन सारे काम होंगे। इसलिए अगर आपका खेत भी इसमें आ गया तो आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा। तो इन स्लाइड्स में हमने ये सब बातें की हैं। मैं आपके लिए पॉइंट्स बनाता चल रहा हूं। थोड़े ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट हैं, आप अभी से क्वेश्चंस भी और आंसर्स भी लिखने की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तीसरा नंबर, अच्छे मार्क्स के लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप मैं आपको बताता चल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सॉल्यूशंस आप स्टार्ट करें। आपकी बुक के एंड में भी दिए गए हैं, हर चैप्टर में 5-5, 10-10, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं, प्लीज़ फॉलो। INSTRUCTIONS। अभी से हमें ये काम शुरू करना है। इंस्ट्रक्शंस मेरे क्या है, पॉइंट्स मैं आपके लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। घर पर आप नोटबुक बनाएं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग, या दो एक में बना लें कैसे भी।
क्वेश्चन भी लिखें और आंसर भी लिखना शुरू करें। ऑब्जेक्टिव टाइप का सॉल्यूशंस अभी से शुरू कर दीजिए। थैंक यू, गुड लक टू यू।